ये पॉइंटर्स हैं, इनको नोट कर लो। मैं इनको थोड़ा सा डिटेलिंग भी करता हूं। प्रिडिक्शन के समय में ये चीजें बहुत काम आती हैं। प्लैनेट्स के भी वर्ण होते हैं, जेंडर भी होते हैं। ठीक है, आज सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा जो बिना सॉफ्टवेयर के हम आराम से पढ़ सकते हैं। सूर्य क्षत्रिय है, मून वैश्य है, मार्स क्षत्रिय है, मर्करी मेल इंपोर्टेंसी के बारे में बात करता है, जुपिटर ब्राह्मण है, वीनस भी ब्राह्मण है, सैटर्न शूद्र है और राहु केतु मलिच मलिच बोलते हैं, मलिच बोलते हैं, इस तरीके से इनको बोला जाता है। किससे बोलते हैं? मलिच होते हैं ना गंदे लोग, मलिच। और इनके जेंडर भी नोट कर लेना। फीमेल इम्पोटेंसी सैटर्न से देखी जाती है, मेल इम्पोटेंसी मरकरी से देखी जाती है। जब हो जाए नोट तो बता देना। कर लिया था। मलिच बोले तो वो नहाएगा धोएगा नहीं। हाँ वही क्लीनिनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ वो उसकी प्रवृत्ति में होगा। होते हैं ना कुछ लोग जो एक एक हफ्ता नहाते नहीं है। हाँ, आसपास गंध में भी रह लेंगे। हाँ वो मलिच प्रवृत्ति। राहु केतु, राहु केतु का मतलब ही है मलिच पर। ये इनकी दिशाएं हैं, प्लैनेट्स की डायरेक्शन। राशियों की डायरेक्शन भी होती है, प्लैनेट्स की डायरेक्शन भी होती है। अरे क्वेश्चन पूछ लूं? हम्म, मेरे पास क्रिस्टल का पछुआ है तो वो क्या केतु है? देखो कछुआ तो केतु ही है, चाहे वो किसी भी चीज का। जिस चीज का हेड पोर्शन नहीं है वो केतु है। ओके। सुई धागा, सुई छोटी सी होती है, धागा बहुत लंबा होता है। धागा जो है वो केतु है, टेल। केतु टेल है, ड्रैगन टेल, ड्रैगन हेड बोलते हैं इंग्लिश में। एनीथिंग विच इज हैविंग टेल एंड नॉट हैविंग, जैसे घर में ताला चाबी होती है, ठीक है, तो ताला और उसमें लगने वाली चाबी, चाबी क्या है? केतु है। इसीलिए कहते हैं घर में बिना ताले की चाबियों का होना अच्छा नहीं होता। सर कई बार तो पड़ी होती है, बहुत बार होता है ताला खो जाता है, चाबियां पड़ी रहती है, क्योंकि वो साइड में छोटी सी चीजें पड़ी है तो ताली नहीं देता। तो जब घर में केतु स्ट्रांग होता जाएगा तो घर में ऐसी चीजों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके। तो जैसे क्रिस्टल का है उसके ऊपर सूर्य बना हुआ है तो ये फिर भी केतु है? बनेगा वो केतु ही, आप कुछ भी कर लो उसके। कछुआ सर वो
जो आपने रेमेडी दी है उसमें तो हमें कॉपर का ही लगा रहा है ना रेमेडी, ब्रास का ही होता है और ब्रास इज मेड ऑफ कॉपर, 60% उसमें कॉपर ही होता है और थोड़ा सा ब्रास मिक्स करके बनाते हैं। नहीं बहुत अच्छा मिला सर, ब्रास का मैंने मंगा लिया। राहु और केतु की काल में जो भी इंसान कुछ भी कमाता है वो राहु और केतु की दशा समाप्त होने पे अपने आप समाप्त हो जाता है, चाहे वो सफलता हो लाइफ में चाहे वो असफलता हो। केतु की दशा की और राहु की दशा की सफलता हमेशा टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। ये नोट कर लिया? हाँ जी सर। ये मूवमेंट है एक सोडिक में अप्रोक्सीमेट टाइम, क्योंकि इसमें वक्री होने का पोर्शन भी रहता है, तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम एक तरह से मान सकते हो, एवरेज मूवमेंट टाइम। एक राशि में एक ग्रह कितने दिन रहता है वो देखेंगे। 11 से 13 महीने जुपिटर होता है, तो हम 12 महीने 13 महीने 11 महीने कुछ भी ले सकते हैं। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तभी तो वो पंडित जी के पास जाते थे तो वो अपने फर्रे पे फर्रे खोलना शुरू हो जाते थे। पता नहीं कौन सा वाला फर्रा आज जरूरत पड़ेगा। नहीं आखिरी में देखूंगा तो सर तीन चीजें चाहिए होंगी सर, उसकी वेटिंग है। शिलेश आपने ज्योतिष कौन सा किया हुआ, वैदिक वाला किया हुआ? सर वैदिक भी किया, लाल किताब भी किया। लाल किताब में तो प्रेडिक्शन है ही नहीं। हाँ सर, उसमें तो उपाय भरे, क्योंकि ना तो वो मानते हैं कि ग्रह चलते हैं, ना उनमें राशियां होती है, ना उनमें ट्रांजिट होता है। तो सर वो करते कैसे हैं फिर? वो दशा वगैरह भी नहीं देखते सर, वो सिर्फ कहते ना ट्रांजिट, ट्रांजिट कहते रहा हूँ, ट्रांजिट भी नहीं देखते, राशि भी नहीं देखते, उनमें सारी पत्री मेष राशि से शुरू होती है। हाँ जी सर, मुझे कभी समझ में नहीं आई लाल किताब, मैंने बहुत कोशिश की समझने की, लेकिन पढ़ा सकता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आती, मैं इसलिए नहीं पढ़ा। किया हुआ है मैंने सर, वैदिक भी किया हुआ है, लाल किताब भी किया हुआ है, लेकिन प्रेडिक्शन नहीं आती। सुरभि जानते हो ना सुरभि को? जी सर, जी सर। भारतीय विद्या भवन से 4 साल वैदिक का कोर्स किया हुआ, एक प्रेडिक्शन नहीं आती थी जब आई सर। मैंने भी आईकास्ट से ही किया था, जहां से इन्होंने दिल्ली से किया, मैंने नोएडा से किया था, सुरभि ने दिल्ली से किया, उसी इंस्टीट्यूट से। अच्छा, उसी की एक प्रेडिक्शन नहीं हो पाती क्योंकि प्रेडिक्शन अलग है। ये प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज है, सतोगुणी रजोगुणी, जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना, एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ। सतोगुणी क्या होता है मालूम है ना? रजोगुण भी पता है, राजाओं वाले गुण। रज मतलब राजा, राजाओं वाले गुण। तमोगुणी मतलब बुरे गुण, तम मतलब अंधकार, डार्कनेस। इसमें राहु केतु नहीं होते सर? वो तो राहु केतु प्लैनेट ही नहीं है। नहीं पहले वालों में वैसे सारी चीज है ना, राहु केतु 18 महीने। हाँ हाँ, इनका और तो सभी का है सर। राहु केतु की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ये जहाँ बैठते हैं उसका असर ले लेते हैं। जी सर, सत्तोगुनी क्या है?
सतगुणी मतलब प्योरिटी सात्विक, सात्विक तामसिक सात्विक कैसे होता है ना सात्विक सतोगुणी। तो ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से या कैसे ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से हम समझेंगे या ये कैसे? नहीं नहीं ये उसकी पर्सनालिटी का पार्ट होगा, सिर्फ ईटिंग हैबिट से नहीं है, नॉट ओनली ईटिंग, इट इज विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सूर्य वाला जो है वो सतोगुणी ही होगा, अगर वो तमोगुण के लक्षण पालता है तो उसका सतोगुण खराब हो जाएगा। सर ये जो भी आपने क्रिस्टल का टोटल्स बताया है, ये जो पांच वाले टोटल्स आते हैं ये भी एक ही बात हो गई? तो इसको घर में मतलब नहीं रखना? नहीं रखना चाहिए सर, एज अ डेकोरेशन पीस भी नहीं? आप जो मर्जी मानो उसको, वो है तो वही जो है वो डेकोरेशन पीस ही है, कांच का है कि सर गिफ्ट किया था, मैंने तो बेड के ऊपर रखा हुआ है मैंने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, बेड में मेरे सिर के ऊपर ही बड़े सर देखो है तो वो केतु ही। अच्छा अब आपको पॉजिटिव असर दे रहा है नेगेटिव असर दे रहा है वो एक अलग बात है। मेरे पास तो तीन चार साइजेस में है और क्रिस्टल में ही है सर, असर तो नहीं बता सकते क्योंकि बता नहीं। पीले रंग की कोई प्लेट में रख देना उसको। कहाँ रखना है? मैंने सुना था कि फेस्ट में रखते हैं। नहीं नहीं उसकी कोई ऐसी दिशा थोड़ी, वो तो आपकी पत्री बताएगी कहाँ रखना है। ऑलराइट लिख लिया जी सर, डन। मेटल्स बड़े दरवाजा आवाजें आ रही हैं घर से किसी के। कर लिया सर। सर मुझे देखना था आज तो खूब सारा माल इकट्ठा हो जाएगा एक्सेल शीट के लिए। मैं देने को ये स्लाइड भी आप लोगों को भेज सकता था लेकिन मैंने जान के नहीं भेजी सर। अच्छा तो एक बार हाथ से निकलेगा हाथ से फाइनल से ज्यादा और फाइनल बुक में भी चलेगा। स्लाइड भेज दूंगा ना तो वो फोन में पड़ी रह जाएगी, थोड़े दिनों बाद डिलीट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। हो गया सर। सर मर्कुरी का ब्रॉन्ज इसलिए क्योंकि जब हम पहनते हैं तो वो हाथ में हरा रंग कर देता है। नहीं वो तो कॉपर करता है सर। बिल्कुल कॉपर भी तो हरा कर देता है सर। कॉपर है तो मार्स का ना। कॉपर है तो मार्स का। अब ये क्यों है वो मत पूछो, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ ये है तो है। मेरा ट्रैक पैड ठीक हो गया लैपटॉप का लेकिन आदत माउस की पड़ गई मुझे, उल्टा हो गया काम। ये राशि है, ये राशियां मेल होती हैं कि फीमेल होती हैं? राशियों में भी मेल और फीमेल होता है।
सारी ऑड मेल हो गई, मेल ऑड ही होते हैं। याद रखना आसान हो गया ना एक लाइन से। डन सर। आपकी पुत्री में भी डायरेक्शन होती है।